अब खबर है चिमूर तहसील से, जहां तहसील के शंकरपुर में संचार बंदी का उल्लंघन करने वाले दुकानदार पर दंडात्मक कार्यवाही की गई। तो चलिए नजर डालते हैं इस खबर पर। राज्य सरकार द्वारा कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए तथा ब्रेक द चेन के अंतर्गत संपूर्ण राज्य में संचार बंदी लागू की गई है, जिसके तहत जीवनावश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य सभी दुकान तथा प्रतिष्ठान बंद करने का निर्णय लिया गया है। मगर सीटीवी न्यूज के प्रतिनिधि जगदीश पेंदाम ने जानकारी दी है कि बालाजी रेडीमेड के मालिक ये अपने दुकान के सामान घर ले जाकर दुकान लगाए थे। वह ग्राहकों को सामान बेच रहे थे और 15 तारीख को यह जानकारी ग्राम पंचायत प्रशासन को मिलते ही ग्राम पंचायत की टीम वहां पर पहुंची, मगर उस दिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करते हुए उन्हें मौखिक चेतावनी दी गई और वो एक बार फिर शुक्रवार को वो अपने घर से सामान की बिक्री कर रहे थे और इसकी जानकारी मिलते ही ग्राम पंचायत प्रशासन की टीम वहां पर तुरंत पहुंची और वहां पर उन्हें ग्राहक दिखाई दिए और जिसकी वजह से उन पर 15,000 रुपए की दंडात्मक कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई उप सरपंच अशोक चौधरी, सदस्य मस्जिद शेख संजय ननावरे, सहायक पुलिस निरीक्षक विनोद जाम्बले, पुलिस कर्मचारी नागरगोचे, पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य गोकुल सावरकर, ग्राम पंचायत कर्मचारी संतोष कोर्डे, सादिक शेख आदि ने अंजाम दिया। इस कार्रवाई से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। सीटीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि जगदीश पेंदाम की रिपोर्ट।